क्लास कल हमने EVS का लेसन 16 स्टार्ट किया था, द एनवायरनमेंट। आज हम उसका टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, बैलेंस इन नेचर। डू यू नो व्हाट विल हैपन इफ वी रिमूव एनी वन टाइप ऑफ एनिमल फ्रॉम द फूड चेन? बोलते हैं कि क्या मतलब कि आप ये चीज़ आपको पता है कि अगर हम जो हमारी फूड चेन है, हमने पहले फूड चेन पढ़ा कि फूड चेन क्या होती है, तो अगर कहते हैं कि क्या आपको पता है अगर हम फूड चेन में से किसी एक टाइप की एनिमल्स को रिमूव कर दें, निकाल दें या ख़त्म कर दें तो क्या होगा? इट विल डिस्टर्ब होल नेचर। मतलब अगर फूड चेन में से एक भी टाइप का एनिमल जो होता है वो रिमूव हो जाता है या ख़त्म हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होगा, पूरा का पूरा नेचर जो होता है, होल नेचर जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन गिवन फूड चेन इफ़ ऑल द ईगल्स आर किल्ड देन वट वुड हैपन? बोलते हैं कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे कि जो मतलब हमारे जो गिवन फूड चेन है, जो फूड चेन हमें दी गई है, इसमें से ये जो हमें ऊपर फूड चेन दी गई है, इसमें से अगर हम ईगल्स को क्या कर दें, किल कर दें, मतलब कि अगर सारी की सारी ईगल मर जाएंगी तो क्या होगा? इफ़ ऑल द ईगल्स आर किल्ड द नंबर ऑफ स्नैक विल इंक्रीज रैपिडली। बोलते हैं कि अगर सारी की सारी ईगल्स जो हैं वो किल्ड हो जाएंगी, मर जाएंगी, तो क्या होगा कि जो स्नैक हैं, मतलब कि नंबर ऑफ स्नैक्स जो होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे। मतलब कि अगर ईगल्स नहीं होंगी तो वो स्नैक्स को नहीं खाएंगी, अगर स्नैक्स जो हैं वो नहीं, मतलब ईगल जो हैं स्नैक्स को नहीं खाएंगी तो स्नैक क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे, रैपिडली बढ़ते जाएंगे। स्नैक विल ईट अप ऑल फ्रॉग। स्नैक क्या करेंगे, स्नैक सारे के सारे फ्रॉग्स को खा जाएंगे, तो जो नंबर ऑफ फ्रॉग हैं वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। सो द नंबर ऑफ फ्रॉग्स विल डिक्रीज, जो नंबर मतलब कि जितने भी फ्रॉग्स हैं उनका जो मतलब कि उनकी जो नंबर्स हैं, नंबर ऑफ फ्रॉग्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इन द एब्सेंस ऑफ फ्रॉग, बोलते हैं फ्रॉग की एब्सेंस में, अगर फ्रॉग मतलब नहीं होंगे, ख़त्म हो जाएंगे, नंबर ऑफ ग्रास ऑपर्स विल इंक्रीज, तो जो ग्रास ऑपर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। दे विल ईट ऑल द प्लांट्स, वो क्या करेंगे, सारे के सारे प्लांट्स को खा जाएंगे, ख़त्म कर देंगे। द ह्यूमन बींग विल नॉट गेट फूड एंड विल डाई ऑफ स्टारवेशन। बोलते हैं कि फिर क्या होगा, अगर जो हमारे ग्रास ओपर्स हैं वो सारे के सारे प्लांट्स को खा जाएंगे तो हमें फूड नहीं मिलेगा, जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको फूड प्रोवाइड नहीं होगा, और फूड प्रोवाइड ना होने की वजह से वो क्या होगा, मतलब कि भूखमरी के कारण जो ह्यूमन बींग हैं वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। दिस शो दैट डिस्टर्बेंस इन ऑल पार्ट ऑफ फूड चेन वुड डिस्टर्ब द होल नेचर। बोलता है कि ये चीज़ हमें, ये जो हमने एग्जांपल, ये जो हमने पढ़े हैं, ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि अगर हमारी फूड चेन में थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस आ जाए तो वो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस के कारण पूरा का पूरा नेचर जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर आता है हमारा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। ह्यूमन आर ओनली लिविंग थिंग हु कैन अलर्ट द इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग देयर नीड्स। बोलते हैं कि ह्यूमन सिर्फ एक ऐसा लिविंग थिंग है जो खुद को मतलब अपनी ज़रूरत के मुताबिक इट अलर्ट कर लेता है, किसके में, इन्वायरमेंट में। सम ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी दैट हैव डैमेज द इन्वायरमेंट आर एज फॉलो। बोलते हैं कि कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को क्या कर रही है, डैमेज करती जा रही है, वो हमें नीचे बताए गए हुए हैं। People have started cutting down trees to meet their need of housing and agriculture. लोग क्या करते हैं कि trees की cutting करना start कर देते हैं, मतलब कि number of trees को काटते जाते हैं ताकि वो उस ज़मीन पे मतलब क्या कर सकें, अपने घर बना सकें या फिर उसको agriculture के लिए use कर सकें। As a result, तो क्या होता है, मतलब जब हम number of trees को cut कर देंगे, trees और plant को cutting कर देंगे, soil get eroded, soil जो कि वो क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, मतलब कि जो हमारी मिट्टी है, जो ज़मीन है, वो ख़राब हो जाएगी। एंड मैनी वाइल्ड एनिमल लाइक लाइन, ज़ेब्रा, एलिफेंट एक्सेट्रा लूज देयर शेल्टर और हैबिटेट। तो क्या होगा, इस वजह से अगर हम ट्रीज़ को काट देंगे तो बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स हैं, जैसे कि लाइन हो गया, ज़ेब्रा या एलिफेंट हो गए, वो क्या करते हैं, उनका जो हैबिटेट होता है वो लूज़ हो जाता है, मतलब उनका हैबिटेट छिन जाता है। सम आर इवन डेंजर इन डेंजर एंड मैनी एक्सटेंट मे एक्सटेंट इफ दिस कंटिन्यू। तो बोलता है कि बहुत सारे मतलब कि स्पीशीज़ ऐसी हैं जो ख़तरे में हैं, और अगर मतलब ऐसा कंटिन्यू होता रहा, अगर हम जो ह्यूमन बींग है वो ट्रीज़ को कंटिन्यूसली कट करते रहेंगे, उनकी कटिंग करते रहेंगे, तो ऐसा होगा कि कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो पूरी की पूरी ख़त्म हो जाएंगी। पोचिंग इज़ येट अनदर थ्रेट। बोलता है कि जो पोचिंग मीन्स होता है हंटिंग, हंटिंग जो है वो भी एक बहुत
बड़ा दूसरा थ्रेट है, मतलब कि एक ख़तरा ही है हमारे इन्वायरमेंट के लिए. पीपल हैव स्टार्टेड हंटिंग वाइल्ड एनिमल फॉर क्लोथिंग प्लेजर एक्सेट्रा. लोग क्या करते हैं, हंटिंग करते हैं, मतलब कि जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनका शिकार करते हैं, मतलब कुछ कपड़े के लिए या फिर अपनी खुशी के लिए, मतलब जिनको प्रे करना अच्छा लगता है तो वो क्या करते हैं, वाइल्ड एनिमल्स का हंट करना स्टार्ट कर देते हैं. पीपल डंप वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज, होम एंड अदर प्लेसेज इन टू वाटर एंड सॉइल. लोग क्या करते हैं, अपने घर से या फैक्ट्री से या फिर किसी भी जगह पे जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको पानी में या फिर किसी सॉइल में क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सॉइल ख़राब भी होती है और उसकी वजह से पोल्यूशन भी क्रिएट होता है. ह्यूमंस रिलीज मोस्ट स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड मिल्स इनटू एयर एंड वाटर. बोलते हैं ह्यूमन क्या करते हैं, जितना भी स्मोक होता है फैक्ट्री से या जो मिल्स होती हैं वो सारा का सारा एयर में क्या कर देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं, मतलब जितना भी धुआं निकलेगा वो सारा एयर में ही जाएगा. दस पोल्यूटिंग अवर नेचुरल रिसोर्सेज लाइक एयर, वाटर और सॉइल एंड वार्मिंग द इन्वायरमेंट. तो इसी वजह से क्या होता है कि जो हमारे इन्वायरमेंटल रिसोर्स नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, पोल्यूट होते जाते हैं, जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, तो ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, पोल्यूटेड हो जाते हैं और क्या होता है, वार्मिंग द इन्वायरमेंट, और हमारा जो इन्वायरमेंट है वो क्या होता जाता है, वार्म होता जाता है. फिर आते हैं इम्पैक्ट्स ऑफ पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ. वेरियस काइंड्स ऑफ पोल्यूशन लाइक एयर, वाटर, नॉइस एंड सॉइल पोल्यूशन आर इफेक्टिंग ह्यूमन बींग इन डिफरेंट वेज. बोलते हैं बहुत सारे काइंड के पोल्यूशन है, जैसे कि एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, नॉइस पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है, ये सारे के सारे पोल्यूशन जो हैं वो ह्यूमन लाइफ पे अलग अलग वेज में क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं. सम ऑफ कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम लाइक अस्थमा, ब्रोंकाइट्स, फिर निमोनिया एंड लंग कैंसर आर कॉज बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन. बोलते हैं कुछ हेल्थ प्रॉब्लम ऐसी हैं जो जैसे कि अस्थमा, निमोनिया, लंग कैंसर वगैरह, ये सारे किसकी वजह से होती हैं, एयर पोल्यूशन की वजह से होते हैं. वाटर पोल्यूशन कॉज डिसीज लाइक कॉलरा, डिसेंट्री एंड इवन मेंटल डिसऑर्डर. बोलते हैं कि जो वाटर पोल्यूशन होता है इसकी वजह से भी बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, जैसे कॉलरा हो गया, डिसेंट्री हो गई, इवन कि जो मेंट्री डिसऑर्डर्स भी जो हैं वो वाटर पोल्यूशन की वजह से हो सकते हैं. नॉइज़ पोल्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट एंड टेम्प्ररी डेफनेस अपार्ट फ्रॉम लैक ऑफ कंसंट्रेशन. बोलता है कि नॉइज़ पोल्यूशन जो होता है, नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से क्या होता है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब कि हमारा किसी भी चीज़ पे कोई भी कंसंट्रेशन नहीं रहता, हम किसी भी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर सकते हैं, ऐसा नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से होता है. लेकिन नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से कंसंट्रेट तो लैक होता ही होता है, साथ में क्या होता है कि जो बहरापन होता है वो टेम्प्ररी और परमानेंट भी हो सकता है, मतलब कि नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से टेम्प्ररी और परमानेंट जो बहरापन होता है इंसान के अंदर वो भी हो सकता है. सॉइल पोल्यूशन रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, देयर बाय प्रोड्यूसिंग लेसर फॉर फूड. बोलता है जो सॉइल पोल्यूशन होता है, सॉइल पोल्यूशन की वजह से क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है, और जिसकी वजह से फूड जो होता है वो हमें कम प्रोड्यूस होता है, मतलब कि कम से कम जो प्रोड्यूस होगा, फूड जो होगा वो प्रोड्यूस होगा, ज़्यादा नहीं होगा. फिर हमारा आता है कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट. प्रोटेक्शन एंड रिस्टोरेशन ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ द इन्वायरमेंट. होता है कि नेचुरल इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन करना, मतलब उसको बचा, जो हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट हैं उनको बचा के रखना या फिर उनको रिस्टोर करना, इसको क्या बोलते हैं, उनकी प्रोटेक्शन और रिस्टोरेशन को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट. वी नीड टू कंजर्व इट फॉर सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन रेस इन फ्यूचर. बोलता है कि हमें जो हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट है उनको कंजर्व करके बचा के रखने की ज़रूरत है, ताकि जो हमारा फ्यूचर में जो ह्यूमन है वो सर्वाइव कर पाएँ. अ फ्यू वे टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट आर मेंशन्ड बिलो. बोलते हैं कुछ वेज हैं जिस मतलब कुछ तरीके ऐसे हैं जिससे हम अपने इन्वायरमेंट को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, बचा के रख सकते हैं, वो हमें नीचे मतलब मेंशन किए हुए हैं. प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज़, मतलब कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ जो होते हैं वो प्लांट करने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए,
रीयूज एंड रिसाइकल मटेरियल लाइक न्यूज़पेपर, प्लास्टिक बॉटल, एल्युमिनियम कैन एक्सेट्रा. मतलब कि कुछ मटेरियल ऐसे हैं जैसे कि न्यूज़पेपर हो गया, प्लास्टिक बॉटल हो गई, एल्युमिनियम कॉइल कैन वगैरह हो गए, हमें इन मटेरियल्स को क्या करना चाहिए, रीयूज और रिसाइकल करना चाहिए. सेव वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, हमें इलेक्ट्रिसिटी और वाटर मतलब दोनों को सेव करके रखना चाहिए. रिड्यूस द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स, जो हमारे केमिकल फर्टिलाइज़र्स होते हैं, खाद वगैरह जो होती हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनका कम यूज़ करना चाहिए. मैनेज इंडस्ट्रियल वेस्ट सेंसिबल, बोलते हैं कि जितना भी हमारा इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट मटेरियल जो आता है उसे हमें क्या करना चाहिए, मैनेज करके रखना चाहिए, उसको डायरेक्टली मतलब रिवर्स में नहीं, पानी में नहीं फेंकना चाहिए, जिससे हमारा पोल्यूशन क्या हो सके, कम हो सके. सो क्लास, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. आई होप आपको समझ आया हो. थैंक यू.